Welcome to VLearn. This is session 11 of basic math. So in today's session we are going to discuss about integral calculus and applications of integral calculus. So here first of all we are going to discuss about definite integral. After that we are going to cover area under the curve, and at last we are going to discuss about length of curves. So first of all, let us discuss about definite integrals. So here suppose f is a continuous function defined on the interval a, b. यहाँ पे सबसे पहले हमने इमेजिन किया कि हमारे पास एक फंक्शन है f, जो कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है एक क्लोज इंटरवल a, b में. हमने ये यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ये शो करते हैं हमारे क्लोज इंटरवल को. दैट मीन्स यहाँ पर जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो a और b को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. Now, let f be an antiderivative of f, then we write. अब हमने यहाँ पे लिया जो हमारा कैपिटल f है वो antiderivative है हमारे f function का. So we have the integration of fx from a to b, then dx. So we'll get fx a to b, a से b तक यहाँ पे हमने interval set किया है. So it will be equals to fb minus fa. सबसे पहले हमने function की value calculate की b point पर, एंड देन फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ए पर, और फिर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ हेयर आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डेफिनेट इंटीग्रल्स. सो हेयर द फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. दैट मीन्स यहां पर हमें एक्स का इंटीग्रेशन करना है. सो इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन. हमने यहाँ पे लिमिट सेट की, हमने बाउंड्री एलिमेंट्स सेट किए, दैट इज 1 एंड 2. सो नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, देन विद इन ब्रैकेट्स वी हैव 2 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 अपॉन 2. ये हमने 2 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1 इसलिए लिखा है, एक बार हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे x की जगह पर. सो वील गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हेयर. Now the second part is the integration of 1 upon x dx. Now here the range is from 2 to 3. Now the integration of 1 upon x dx is log x. यहाँ पे intervals फिर से हमने decide किए, हमने set किए 2 and 3. तो अब एक बार हम x को replace करेंगे 3 से और एक बार 2 से. So first of all we have log 3 minus log 2. Now according to the property of log, log की property के according हमने यहाँ पर log 3 minus log 2 को लिखा है log 3 divided by 2, क्योंकि यहाँ पर minus sign use होता है दो log के बीच में. अगर same base है तो हम उसे quotient rule के according represent करते हैं in this manner. So now the third point here is the integration of e to the power x dx. Now here the interval is 0 and 2. जब हमने e टू द पावर x का इंटीग्रेशन किया तो हमें मिलेगा e टू द पावर x, इट विल रिमेन एज इट इज. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द इंटरवल वैल्यूज हियर, दैट इज 0 एंड 2. पहले हमने x की जगह 2 पुट किया तो हमें मिला e स्क्वायर. सिमिलरली वी हैव यूज्ड द माइनस साइन नाउ, देन e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 0. दैट मीन्स हमने x को रिप्लेस किया फिर 0 से, x की वैल्यू हमने 0 पुट की. सो वी विल गेट e स्क्वायर माइनस 1. 1 हमें इसलिए मिला क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है then it means it will be equal to 1. So we have e square minus 1. Now the fourth part here is the integration of 1 upon x plus 1, and the interval here is 0 and 1. Now the integration of 1 upon x plus 1 will be equal to log of x plus 1. यहाँ पर log x plus 1 इसका integration हमने find किया. यहाँ पर फिर से हम ये limit put करेंगे, ये इंटरवल सेट करेंगे 0 और 1. अब हमने यहाँ पर x को रिप्लेस किया 1 से एंड सिमिलरली 0 से. सो वी विल गेट log 2 बेस एंड माइनस log 1. सो इट विल बी इक्वल्स टू log 2. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. सो हेयर इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स. सो हेयर द फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम fx dx from a to a, so this will be equal to 0. अगर हमने different intervals
हमने इंटरवल्स यहाँ पे लिए हैं, सपोज दोनों ही इंटरवल वैल्यू दैट इज लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू सेम होती है, तो उसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड हेयर द इंटरवल इज ए टू बी। सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग मैनर, हम इसको रिवर्स मैनर में अगर शो करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक वी हैव इंटीग्रेशन पार्ट फ्रॉम b to a, then integration of fx will remain as it is and we use the minus sign. हम यहाँ पर minus sign use करेंगे because हमने a to b की जगह interval को set किया है from b to a. Now the third point here is the integration of ft. That means यहाँ पर हमने अब integration perform करना है ft का, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको दो parts में break किया, हमने यहाँ पर एफ यू से इसको डिनोट किया है और एफ एक्स से डिनोट किया है, सो वी हैव रिटन इट इन द फॉलोइंग मैनर, लाइक फ्रॉम ए टू बी एफ यू डी यू, सिमिलरली इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द इंटरवल हेयर इज ए टू बी। नाउ हेयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज, दैट इज द फोर्थ वन हेयर इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स व्हेन द इंटरवल इज ए टू बी, वी कैन राइट इट इन द फॉलोइंग मैनर, लाइक हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो इंटरवल सेट करेंगे वो ए टू सी सेट करते हैं, दैट मींस ए और बी के बीच में एक और हम पैरामीटर लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं सी, विच इज गोइंग टू लाई बिटवीन ए एंड बी, सो हेयर वी आर गोइंग टू पार्टीशन दैट इंटरवल इंटू टू पार्ट्स, हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, सो हेयर द फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड द इंटरवल हेयर इज ए टू सी। सिमिलरली द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स सेम एज इट इज, बट हेयर द इंटरवल इज सी टू बी, पहले हमने लिया था ए टू सी और अब लेंगे सी टू बी, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एड देम। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज, नाउ हेयर द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड इंटरवल इज जीरो टू ए, सो वी हैव द इंटीग्रेशन जीरो टू ए देन एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यहाँ पर जो हमारे अपर लिमिट है, जो अपर इंटरवल है ए, उससे हम इस एक्स वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ दिस सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सपोज जो हमारा फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन वो होते हैं जहाँ पर अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमें माइनस एफ एक्स मिलता है, सो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। नाउ हेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल में लाई करेगी, माइनस ए टू ए के बीच में लाई करेगी, सो इस कंडीशन में हम हमारा जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए, देन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ हेयर इज एन एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो बिटवीन एन इंटरवल माइनस वन टू वन। नाउ द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर हमारे पास जो कोई भी फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, दैट मीन्स अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं एंड स्टिल वी आर गेटिंग अ फंक्शन एफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। सो हेयर द इवन फंक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर इवन फंक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, दैट इज इन अ क्लोज इंटरवल बिटवीन माइनस ए टू ए। नाउ हेयर वी कैन राइट इट इन द फॉलोइंग मैनर, हमने यहाँ पे शो किया है कि हमारे पास इंटरवल है माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स हमें फंक्शन है जो इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक इट विल बी इक्वल टू टू इन टू then integration of fx dx within the interval 0 to a, यहाँ पर हम अब 0 to a show करेंगे, हमने जो minus a था उसको replace किया और 2 से multiply किया, so this will be equal to the same. Now the eighth property is the integration of fx, so here the interval is 0 to 2a, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे दो parts में divide करेंगे, first one is the integration of fx from 0 to a, then f of 2a minus x. Similarly, the ninth property is the integration of fx and here the interval is a to b. So it will be equal to a to b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. नाउ लेट अस डिस्कस सम सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स. तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, लाइक हियर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स एंड हियर द इंटरवल इज 1 टू 4. लोअर इंटरवल इज 1 एंड द अपर वन इज 4. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट्स इंटीग्रेशन, उससे पहले हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सो हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स को हम ऊपर लेके आए, न्यूमरेटर में लेके आए, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया एक्स टू द पावर माइनस 1/2. नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट्स इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे. सो एक्स टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 एंड हेयर द इंटरवल्स आर 1 एंड 4. नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉलोइंग मैनर. हम इसको अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक 2 रूट एक्स देन 1 टू 4. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 1. सो एट लास्ट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, वी आर गोइंग टू गेट अंडर रूट 4 को हमने जब सॉल्व किया तो हमें स्क्वायर रूट इसका मिलेगा 2. सिमिलरली 1 का स्क्वायर रूट 1 ही मिलेगा. सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1. सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वी विल गेट आंसर 2. नाउ हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेकेंड वन. सो हियर वी हैव इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल. सो हियर वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 एंड हियर द लिमिट the you can say the interval is 3 to 5. So here we have the solution part, that is we first evaluate the integral, that is integrate x upon x square minus 5 dx. So sab first of all humne yahan pe kya kiya, is question ko easily solve karne ke liye humne x square minus 5 ko imagine kiya that it is equal to t, so that 2x dx equals to dt. जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx equals to dt. So after that we have the integration of x dx upon x square minus 5. So this whole will be equal to 1 upon 2 integration of dt upon t. So when we are going to integrate 1 upon t, we are going to get log t. So here we have 1 upon 2 log t. So this will be equal to 1 upon 2 log. अब t को हमने फिर से replace किया उसी value से, that is x square minus 5 से. So हमें मिलेगा 1 upon 2 log x square minus 5. After that, we have the integration of x upon x square minus 5. And here the interval are 3 to 5. So यहाँ पर जब हम इसे integrate करेंगे, हमें मिलेगा 1 upon 2 log x square minus 5. And similarly the interval is 3 to 5. Now we are going to put the values of upper limit and the lower limit, that is the upper value and the lower value. We have 1 upon 2 log of 5 ka square humne kiya to hume mila 25, so 25 minus 5, then minus log of 3 ka square kiya hume mila 9, so log of 9 minus 5. After solving this equation we are going to get 1 upon 2 log 20 upon 4. So this will be equal to 1 upon 2 log 5. So this is how we are going to solve these questions. Now we have a third example, that is evaluate the definite integral. Here the interval is 1 to 3. Then we have to perform the integration of 1 upon x square x plus 1 dx. हमें इसको solve करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, we are going to split it. हमने इसको split किया different parts में. हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज़ करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को. सो हेयर वी हैव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1. सबसे पहले हमने ए वेरिएबल लिया, उसके नीचे एक्स की मिनिमम पावर, देन बी के नीचे उसकी हाइएस्ट पावर, एंड आफ्टर दैट दी अनदर फंक्शन, the another sub part of the remaining function. Here we can see that we have x plus 1 in the denominator, so we have used x plus 1 below the c. Now by comparing we are going to get, हमने यहाँ पे जब compare किया दोनों equations को तो हमें मिलेगा 1 equals to ax
इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो x के वेरिएबल्स थे उनको हमने कंपेयर किया, दैट इज हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर देखें दोनों को कंपेयर किया तो हमें मिला ये इक्वेशन मिलेगी। सो पुट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू माइनस वन, हमने x इक्वल टू जीरो रखा और x की वैल्यू माइनस वन रखी तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वी आर गोइंग टू गेट वन इक्वल टू बी एंड वन इक्वल टू सी। सो नाउ नेक्स्ट टाइम लेट अस कंपेयर कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, अब हम यहाँ पर कोफिशियंट x स्क्वायर के कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे हमें मिलेगा a इक्वल टू माइनस सी, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पहले से ही पता है c की, दैट इज इक्वल टू वन, सो हमने जब यहाँ पर c की वैल्यू पुट की वन तो हमें मिलेगा a इक्वल टू माइनस वन। दस वी कैन हैव दिस क्वेश्चन नाउ, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x स्क्वायर इंटू x प्लस वन, सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x प्लस वन डी एक्स। सो वी हैव माइनस log x, वन अपॉन x को जब हमने इंटीग्रेट किया हमें मिला log x, सिमिलरली वन अपॉन x स्क्वायर को जब इंटीग्रेट किया तो हमें मिला माइनस वन अपॉन x, देन आफ्टर दैट प्लस ऑफ log x प्लस वन। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट, जब हम logs को सॉल्व करेंगे यहाँ पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ क्वोशेंट रूल हेयर फॉर द लॉग ऑपरेशन, तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स प्लस वन को हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये मिलेगा बाई यूजिंग अ लॉग रूल। सिमिलरली वी हैव यूज माइनस वन अपॉन एक्स इन द सेम मैनर, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू हेयर द इंटरवल लिमिट दैट इज वन टू थ्री, हमने यहाँ पे लिमिट को सेट किया दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एंड द इंटरवल हेयर इज 1 टू 3, देन वी हैव लॉग ऑफ 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, आफ्टर दैट वी हैव माइनस लॉग 2 प्लस 1, सो वी आर गोइंग टू गेट लॉग 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। सो सपोज f इज अ कंटिन्यूअस एंड यहाँ पे हम सपोज इमेजिन करेंगे सबसे पहले कि f जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है एंड आफ्टर दैट एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, यहाँ पर जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी, बट द कंडीशन हेयर इज कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं वो बिलोंग करेंगी हमारे क्लोज इंटरवल a b को, सो देन द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स। सो हेयर यहाँ पर जो अब एरिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स वो बाउंड होगा हमारे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट से और पॉइंट्स जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं दैट इज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, सो इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। सो हेयर इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, यहाँ पर a और b हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और जो इसके बीच में हमें एरिया मिलेगा वो ये एरिया मिलेगा जो कि शेडेड है, सो दिस एरिया इज y इक्वल टू एफ एक्स। Now, under this category, first of all, we are going to discuss the area between two curves. दो curves के बीच में जो area है उसको कैसे हम calculate करेंगे. So, first of all, suppose f and g be the two functions, two continuous functions defined on closed interval a, b. हम सबसे पहले यहाँ पर let करेंगे कि हमारे पास दो continuous functions हैं जो कि a और b closed interval में lie करते हैं, such that एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जी एक्स। यहाँ पर हम कंडीशन लेंगे कि ये जो फंक्शंस होंगे वो इस टाइप के होंगे कि एफ एक्स और विल बी ग्रेटर और इक्वल टू जी एक्स एंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई विल बी इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी इज। अब यहाँ पर जो हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे लाइक द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विद इन द इंटरवल ए बी विल बी इक्वल टू लाइक दिस। यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जो अपर पोर्शन है वो है वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड द लोअर वन इज वाई इक्वल टू जी एक्स। ए और बी यहाँ पर दो हमारे क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स हैं एंड दिस शेडेड रीजन इज वी आर गोइंग टू गेट। नाउ हियर आर सम सॉल्वड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द एरिया। Now find the area bounded by the x-axis and y equals to 2x minus 3
एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें एरिया जो बाउंड है वो निकालना है कि बाउंडेड एरिया क्या होगा। ये एरिया जो है वो एक एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू 2x माइनस 3 और एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2 और लेस और इक्वल टू 5 की कंडीशंस के को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हियर द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 2x माइनस 3 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 1 एंड 5, 7। जो y इक्वल टू 2x माइनस 3 है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 2, 1 और 5, 7 से पास होगी। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया विल बी, अब जो हमें रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट्स सेट की जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस और इक्वल टू 5। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 फ्रॉम 2 टू 5, सो इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x एंड द इंटरवल इज फ्रॉम 2 टू 5, सो इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये 12 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल होगा एंड इन द फिगर यू कैन सी दैट ये जो हमारा शेडेड रीजन है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। नाउ हियर इज द अनदर एग्जांपल, द सेकंड वन। सो हियर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 3। सो हियर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला दैट ओपन टुवर्ड्स रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पर अब सबसे पहले क्या है, जो हमारा इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो एक पैराबोला की इक्वेशन होती है जो कि अपर साइड ओपन होता है। सो हमने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट वी हैव बाउंडेड बाई द एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ पर उस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हम शो करेंगे यूजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द इंटरवल हेयर इज 0 टू 3। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है एंड लेस और इक्वल टू 3 है, तो हमने वही लिमिट्स यहाँ पे सेट की हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वी आर गोइंग टू गेट 1/3 x³। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की 3 और 0 तो हमें मिला 9 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द एरिया। नाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व वी हैव वाई इक्वल टू एफ एक्स, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए एफ ए एंड बी एफ बी वी आर गोइंग टू हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी देन अंडर रूट 1 + dy/dx² dx एंड दिस इज द कर्व एज शोन इन द फिगर। नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। लाइक वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कर्व फॉर वाई इक्वल्स टू 2/3 x^3/2 फ्रॉम 0, 0 to 4 and 6/16/3। यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है, इंटरवल गिवन है 0, 0 और 4, 16/3। तो इसके लिए हमें लेंथ ऑफ कैलकुलेट करनी है फॉर द कर्व। सो वी हैव dy/dx, सो इट विल बी इक्वल टू 2/3 × 3/2 x^1/2, सो इट विल बी इक्वल टू x^1/2। ये इक्वेशन में को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x^1/2 बिकॉज 2, 2 and 3, 3 विल बी कैंसिल आउट। नाउ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 + x^1/2² एंड द इंटीग्रेशन इंटरवल हेयर इज 0 to 4। नाउ वेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वी आर गोइंग टू गेट 2/3 1 + x^3/2 एंड द इंटरवल इज 0 to 4। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नाउ वेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज हेयर, जब हम एक बार यहाँ पे 4 रख के सॉल्व करेंगे और एक बार 0 रख के सॉल्व करेंगे और फिर उनका हम सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन उन पर परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 इन